ये कैसे इंसान ने ये कह लिया कि ये आत्मा है, मनुष्य की आत्मा, मुझे मेरे पापा की आत्मा दिखाई दी, मुझे मेरी दादी दिखाई दी, जो हमारे प्रियजन मर जाते हैं, मुझे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो भी भ्रमित हो जाएंगे, उन्हें भी शैतान जो है वो भरमा देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुताय से आशीष दे। आज जो हमारा विषय है वो है, क्या दुष्ट आत्माएं आपके अंदर या आपके परिवार में वास करती हैं? शैतान की शक्तियां और दुष्ट आत्माएं जो हैं वो क्या आपके अंदर वास करती हैं? अक्सर लोगों के दिमाग में एक बात रहती है और अक्सर लोग इस बात को कहते भी हैं, बहुत सी झूठी बातों के ऊपर वो विश्वास भी करते हैं कि जो मरे हुए हैं, जो मर गए हैं, उनकी आत्माएं इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो डोलती डालती रहती हैं, लोगों के शरीर में घुस जाती हैं, लोगों के परिवार में घुसकर उनके शरीर को या उनके जीवन को या उनके परिवार को नष्ट करती हैं, बर्बाद कर देती हैं। मगर हम अगर ऐसा सोचते हैं कि अगर ये जो मरे हुए इंसान हैं, अगर ये उठकर आकर जो है इनकी आत्माएं निकल कर जो है अगर इस संसार में डोलती रहती हैं या घूमती रहती हैं या परिवारों के अंदर चली जाती हैं या किसी के जीवन में चली जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का जो वचन कहता है वो फिर गलत साबित होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कुछ और कहता है। पहले हम सीखेंगे ये शैतानी शक्तियां और दुष्ट आत्माओं की जो शक्तियां हैं ये क्या है, मगर इनको सीखने से पहले हम ये सीखेंगे कि मरे हुए लोगों की जो स्थिति है वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, मेरे साथ निकाल सकते हैं सबो उपदेशक की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 5, 6, और 10 पद पढ़ूंगा। पहले 5वां पद पढ़ रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। जी हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ इस शब्दों में बयान करता है कि जो जीवित लोग हैं वो तो जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। लिखा है कि उनका स्मरण, उन स्मरण का मतलब होता है याददाश्त जो उनकी है, जो यादें हैं वो सब समाप्त हो गई हैं, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब 5वां पद जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सॉरी 6ठा पद, सबो उपदेशक 9 का 6ठा पद है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी ढा नष्ट हो चुकी है, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका कोई भाग ना होगा। देखिए कहाँ क्या लिखा है कि उनका जो प्रेम है, जो बैर है, जो ढा है, ईर्ष्या, जलन है, ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। अब सूरज के नीचे जो है और पृथ्वी के ऊपर उनका कोई भी भाग नहीं है, सदा के लिए उनका भाग क्या है वो मिट गया, वो समाप्त हो गया है। अब वो पृथ्वी के ऊपर आकर वो डोल डाल नहीं सकते, ना तो उनका शरीर आ सकता है और ना उनकी आत्मा आ सकती है। बिल्कुल साफ परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। फिर एक बात क्या कहता है, 10वें पद को जरा फिर से ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें जो भी काम परमेश्वर ने दिए हैं और जितनी भी ताकत हमारे अंदर है, जितनी भी क्षमता हमारे अंदर परमेश्वर ने दी है, उसके अनुसार हम जो है परमेश्वर के काम को इस पृथ्वी पर अंजाम दे सकते हैं, कर सकते हैं और करना चाहिए। परंतु जहां अधलोक यानी कब्र के अंदर यानी अधलोक में जहां हम जाने वाले हैं वहां पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई युक्ति यानी योजना वगैरह या काउंसलिंग नहीं होगी, और ना ही कोई ज्ञान होगा और ना ही किसी भी प्रकार की बुद्धि की बातें होंगी जो आप कर सकते हो या आपको करना है, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ इस बात को कहता है। अब ये परमेश्वर के हाथ में है, जो इंसान मर गया है उसका करना क्या होता है। जैसे सबो उपदेशक 12 अध्याय उसका 7 पद जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। अब देखिए जो भी है, कोई कहता है कि आत्मा होती नहीं है, कोई कहता है कि सांस होती है, कोई कहता है कहीं अगर सांस है तो ये सांस क्या है, ये हवा है और ये हवा में विलीन हो जाती है। जब ये हवा में विलीन हो गई है तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो गया,
फिर तो जब उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, जो ये कहते हैं कि सांस है और जो ये कहते हैं कि आत्मा है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब मनुष्य मर जाता है तो आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर के पास लौट जाती है। परमेश्वर को कहां रखना उस आत्मा को, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण जो आप पढ़ेंगे लूका 16 अध्याय उसका 19 से 31 पढ़ लीजिएगा। लूका 16 अध्याय उसका 19 से 31 तक में धनवान व्यक्ति की और जो लाजर है उसकी कहानी है। जी हाँ, निर्धन जो लाजर है उसकी कहानी है। अब ये दोनों की कहानी आपको पता है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु यहां लिखा है कि जब लाजर मर गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। अब्राहम की गोद में पहुंचाने का मतलब होता है शांति के स्थान में, ठीक है। और फिर लिखा है कि धनवान व्यक्ति भी मर गया, और जब धनवान व्यक्ति मर गया तो वो कहां पहुंचाया गया, वो पीड़ा के स्थान में यानी नरक में पहुंचाया गया। अब वहां पर जो है वो दोनों के स्थान अलग है, ये परमेश्वर कहता है। यदि आपने पाप किया है, पाप में मर रहे हैं, गलतियों में मर रहे हैं और परमेश्वर से दूर होकर मर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमें पीड़ा के स्थान में जाना है। और यदि हम प्रभु में मर रहे हैं, प्रभु में हम क्या कहते हैं अपने काम को करते हुए, जो प्रभु ने हमें दिया उन कामों को पूरा करते हुए अगर हमारा जीवन समाप्त होता है तो हम शांति के स्थान में। ये रखने का काम क्या है, किसका है, ये परमेश्वर का है कि परमेश्वर जो है कहां रखेगा। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, अब परमेश्वर ने जिस आत्मा को जहां पहुंचा दिया, जहां रख दिया, वहां से क्या वह आत्मा निकल के आ सकती है बिना परमेश्वर के परमिशन के? क्या परमेश्वर के परमिशन से निकल कर आते हैं? नहीं, परमेश्वर तो ऐसा चाहता है नहीं, क्योंकि जो मर गया समाप्त हो गया इस पृथ्वी के ऊपर उसका कोई भाग नहीं, बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है। फिर ये कैसे इंसान ने ये कह लिया कि ये आत्मा है, मनुष्य की आत्मा, मुझे मेरे पापा की आत्मा दिखाई दी, मुझे मेरी दादी दिखाई दी, जो हमारे प्रियजन मर जाते हैं, मुझे मेरा दोस्त दिखाई दिया, मोहल्ले पड़ोस में कोई मर जाता है, अरे वो मोहल्ला पड़ोस में वो उसकी आत्मा घूम रही थी। अरे सब बेकार की बात है, किसने ये कह दिया है? ये कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है। फिर ये दुष्ट आत्मा, ये शैतानी शक्तियां फिर आई कहां से, सवाल ये उठ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है, सही सोच है कि ये शैतानी शक्तियां आई कहां से। आप जब यशाया 14 अध्याय उसका 12 से 14 पद पढ़ोगे, देखिए मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं, आप रेफरेंस जो है पढ़ लीजिएगा घर पे, यशाया 14 अध्याय 12 से 14 तक। वहां पर लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर गिरा दिया गया? तू कहता था मैं मेघों से भी ऊंचे चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के तारागणों से ऊंचा करूंगा, मैं उत्तरी दिशा में विराजूंगा, मैं परमेश्वर के पर्वत पर विराजूंगा। ये सारी चीजें जो थी, ये कौन था? जब आप एज़ेकेल 28 अध्याय 1 से 3 तक और 11 से 17 तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो है ये क्या था, ये अपने आप को ईश्वर कहता था। जी हाँ, ये अपने आप को ईश्वर कहता है, अपने आप को कहता है कि समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हुआ अपने आप को दिखाता है। ये डैनियल से अधिक बुद्धिमान है, इससे कोई भी भेद परमेश्वर का जो है छुपा नहीं था। ये बुद्धि से भरपूर था, सॉन्ग सुंदर था, बहुत सुंदर था, परमेश्वर की अदन की बारी में रहता था जो स्वर्ग में है, और हर एक प्रकार के कीमती मणियों से के बीच में रहता था, उसे सुशोभित रहता था। डफ और बंसुरियां उसी में बनाई गई थी जिस दिन वो सिरजा गया था। ये कौन था? ये छा जाने वाला अभिषिक्त करूब था, ये करूब था, ये वो फरिश्ता था, ये प्रधान स्वर्गदूत था जो भोर का चमकता हुआ तारा कहलाया जाता था। परंतु जब इसके अंदर घमंड आया, जब ये घमंड से भर गया, जब ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा, जब ये समझने लगा कि मैं तो परमेश्वर से की तरह हूं, मैं तो परमेश्वर के समान ताकतवर हूं, मैं तो परमेश्वर की तरह हूं, और अपने आप को परमेश्वर कहने लगा, जब अपने आप को परमेश्वर बनाने लगा, तब क्या हुआ? परमेश्वर इस पाप के कारण, इस घमंड के कारण और इस बात के कारण जो था, ये स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है ये स्वर्ग से क्या करा, ये इसकी स्वर्ग के अंदर क्या है, फिर कोई जगह नहीं रही, और इस कारण ये स्वर्ग से निकाल दिया गया, वहां से गिरा दिया गया। जब आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 7 से 12 पद तक पढ़ेंगे, जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 12 तक पढ़ेंगे तो सब वहां पर जो है मिकाएल और उसके स्वर्गदूत लिखा है कि अजगर से लड़ने के लिए निकले। जी हाँ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत जो है अजगर और उसके दूतों से लड़ने निकले। मगर 9 पद में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा 9 पद का, तब वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप
जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। देखिए ये जो है, ये अजगर जो है, ये और इसके दूत जो थे, एक तिहाई दूत, इसके साथ पृथ्वी पर गिरा दिए गए। जब घमंड आया और जिन स्वर्गदूतों ने इसका साथ दिया वो भी इसके साथ पृथ्वी पर गिरा दिए गए। ये वही पुराना अजगर है जो इबलीस और शैतान कहलाता है। और दूसरी बात क्या है, ये सारे संसार का भरमाने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, सारे संसार का, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला योहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 19 पद में जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके वश में पड़ा है, सारा संसार जो है किसके अधिकार में आ गया, वो संसार के अधिकार में, वो शैतान के अधिकार में आ गया। अब शैतान के अधिकार में सारा संसार है तो भैया वो अपनी लीलाएं तो रचेगा, वो अपनी लीलाएं तो दिखाएगा, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां पर एक बड़ा ध्यान देने की बात है। प्रकाशित वाक्य 12 के 12 पद की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। अब परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुंदर, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। अब यहां पर क्या है, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो स्वर्ग और उसमें रहने वालों को क्या कह रहा है कि तुम लोग आनंदित हो, मगन रहो, क्योंकि क्या है, वो शैतान जो है, वो भरमाने वाला जो है, वो कहां गिरा दिया गया, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसलिए वो क्या पृथ्वी वालों से क्या कहता है, हे पृथ्वी पर रहने वालों और समुद्र में रहने वाले लोगों, तुम पर हाय, हम पर हाय। क्यों, क्योंकि शैतान जो है वो बड़े क्रोध के साथ उतर आया है और गिरा दिया गया है, और उसका जो समय है वो थोड़ा ही है। क्योंकि हाय क्यों लिखा है, क्योंकि अब वो पृथ्वी के ऊपर जो है वो क्या करेगा, मार उपद्रव मचाएगा, और सारे जितने भी लोग हैं कोशिश करेगा कि जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो आत्मिक जीवन जीने वाले लोग हैं, जो धार्मिकता के साथ जीवन जीने वाले लोग हैं, उनकी धार्मिकता को नष्ट करेगा, उनके आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा और उनको जीने नहीं देगा। उनका जीना जो है वो क्या कर देगा, वो बिल्कुल तहस नहस कर देगा, वो उनको रहने नहीं देगा इस पृथ्वी के ऊपर चैन के साथ। और इसलिए शैतान और उसके दूत जो है अब भरमाते कैसे हैं, ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको हम देखेंगे कि कैसे जानते हैं। जी हाँ, पहला कुरंतियों 11 अध्याय उसका 13 से 15 पद तक पहले मैं पूरा पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब ध्यान दीजिए, भरमाने वाली बात क्या, देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूं क्या होता है कि शैतान जो है वो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब यहां लिखा है कि उसके जो दूत हैं, शैतान के जो दूत हैं, वो किसके, वो प्रभु के सेवकों का, वो किनका, प्रेरितों का रूप धारण कर सकते हैं और छल से काम करने वालों का रूप धारण करके आ जाते हैं, किसी का भी रूप धारण करके आ जाते हैं। हमारा कोई प्रियजन मर गया तो हमारे प्रियजन का रूप धारण करके आ गया, और क्या आ गया, अब हमने देखा अरे मेरे पापा, जैसे मेरे पापा 2020 में वो खत्म हो गए, अब अगर मेरे पापा के रूप में वो आ जाए तो मैं क्या कहूंगा, अरे मेरे पापा आ गए। मगर मुझे ये सब चीजें नहीं कहनी है कि मेरे पापा आ गए, क्यों, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को जानता है और जो परमेश्वर के वचन को समझता है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है, जो मनुष्य मर गया उसका पृथ्वी के ऊपर कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है, ना तो आत्मा के द्वारा और ना शरीर के द्वारा। शरीर जो है मिट्टी में मिल गया और आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच गई और परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए एक जगह रख दिया है और वो वहां से निकल के नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है। मगर अगर मैं कहूं नहीं मेरा पापा निकल के आया तो मैं परमेश्वर की बात को झूठा ठहरा रहा हूं, परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा हूं। और इसलिए जब हम परमेश्वर, और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को झूठा ठहराएं, और वो झूठा ठहराने के लिए ऐसे छल के काम करता है, किसी का भी रूप धारण करके आ सकता है और किसी के भी परिवार में वो घुस जाता है। जी हाँ, देखिए वो क्या है,
प्रेरितों का रूप धारण कर लेते हैं, वो छल से काम करने वालों का जो है रूप धारण करके आ जाएंगे। और यहां लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो, क्योंकि वो झूठे और धर्म के सेवकों का रूप धारण करके जो आ जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धर्म के सेवक कौन है, आपको पता नहीं चलेगा झूठे कौन है, आपको तो यही लगेगा कि साहब ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आया है तो ये प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। हर कोई प्रभु यीशु मसीह का सेवक नहीं होता है। पहला योन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, परंतु हर एक आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। जी हाँ, हमें ये परखना है कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, या शैतान की ओर से भेजी गई है। अब ये बड़े ध्यान की बात है, जब मत्ती 24 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह, ध्यान दीजिएगा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। अब यहां क्या लिखा है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और लिखा हुआ है चुने हुए को भी भरमा देंगे। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो भी भ्रमित हो जाएंगे, उन्हें भी शैतान जो है वो भरमा देगा। इसलिए यूहन्ना 8 अध्याय उसके 44 पद में क्या लिखा हुआ है, वहां बिल्कुल साफ कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों कहता है प्रभु यीशु मसीह तुम अपने पिता शैतान से हो? क्योंकि लिखा है कि वो झूठा है, वरन झूठों का पिता है। अब जितना झूठ हम में या हमारे परिवार में बोला जाता है वो सब जो है वो शैतान की ओर से, यानी हमारे परिवार के अंदर घुसाया, झूठ के, झूठ की आत्मा के रूप में वो है, वो चला आया और इस तरीके से जो है वो शैतान जो है झूठ है और झूठों का पिता, क्योंकि वो हत्यारा भी है और स्वभाव से जो है वो झूठ बोलता है। ये तो है शैतान की कहानी कि शैतान किस तरीके से रूप धारण करके हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में घुस आता है, झूठ के द्वारा, फरेब के द्वारा, लोभ और लालच के द्वारा और बहुत सी और चीजों के द्वारा जो है वो घुस आया। अभी और भी चीजें पढ़ेंगे, मगर यहां पर मैं एक बात ये बताना चाहूंगा, क्या दुष्ट आत्माएं या शैतान की शक्तियां परमेश्वर की तरफ से भी भेजी जाती हैं? अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्या वो परमेश्वर की ओर से भी भेजी जाती हैं? अब देखिए न्यायियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 23 पद यहां लिखा है, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शक्केम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शक्केम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। किसने भेजी? लिखा तब परमेश्वर ने इनके बीच में जो है क्या भेज दी, एक बुरी आत्मा भेज दी। अब परमेश्वर ने भेजी है बुरी आत्मा, ये क्या क्या करने लगे, ये विश्वासघात करने लगे। क्यों भेजी? क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं और परमेश्वर के अनुसार जो है काम नहीं कर रहे हैं। अब आप आपने शाऊल राजा का तो नाम सुना होगा, 1 सैमुएल 16 अध्याय उसका 14 से 16 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो शाऊल के ऊपर से उतर गया और परमेश्वर की ओर से, लिखा परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा उसे क्या करने लगा, उसे घबराने लगा, शाऊल को घबराने लगा। परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा भेजी गई है। अब देखिए परमेश्वर क्यों, अब कारण क्या है, देखिए कारण भी बहुत सा है, कारण भी मैं बताऊंगा। फिर लिखा हुआ है कारण क्या, 1 सैमुएल 15 अध्याय उसका 10 से 11 पद तक पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर जो है शाऊल को राजा बनाकर पछताया। क्यों? इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि उसने, परमेश्वर कहता है कि शाऊल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, और दूसरा कारण क्या था कि उसने मेरी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। देखिए दो कारण थे जिसके कारण परमेश्वर ने उसके ऊपर, उसके अंदर जो है दुष्ट आत्मा भेज दी। अब यदि हमने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है तो नेचुरली बात है कि जरूरी नहीं कि शैतान ही दुष्ट आत्मा को भेजे, यह भी हो सकता है कि परमेश्वर की ओर से भेजी गई है और ताकि वह हमें तंग करे, वह हमें घबराए, क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है। जो शाऊल ने गलतियां करी हैं वही हमने करी, और शाऊल जो था इतना अंधा हो गया और वो जो दुष्ट आत्मा थी, लिखा है एक और बुरी आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा और वो क्या करने लगा, वो नबूवत करने लगा, यानी झूठा भविष्यवक्ता बन गया। जी हाँ, झूठा भविष्यवक्ता। फिर वही आत्मा जो थी, जो बुरी आत्मा जो परमेश्वर ने उसके ऊपर भेजी थी, वो क्या करने लगी, वो झूठी भविष्यवाणियां कराने लगी, और उसने क्या करा, एक निर्दोष की हत्या करने के ऊपर वो उतारू हो गया, यानी दाऊद की हत्या करने पर उतारू हो गया कि मैं दाऊद को मार डालू, मगर परमेश्वर दाऊद को बचाता रहा। देखिए दुष्ट आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से भेजी जा रही है, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ जो है इस बात को कह रहा है। अब मैं आपको एक बात और ध्यान कराना चाहूंगा, आप 1 राजा 22 अध्याय 19 से 23 तक,
पहला राजा 22 अध्याय 19 से 23 तक, दूसरा इतिहास 18 से 22 तक आप पढ़िएगा, और पहला राजा 22 का 23 खास तौर से, और दूसरा इतिहास 18 से 22। जब आप इनको पढ़ेंगे तो मिकाया जो था, मिकाया नबी था जिसको अहाब राजा ने जेल में डाल दिया था, और वो लड़ाई पे जा रहा था अहाब राजा, उसने यशोपात को बुलाया, यशोपात ने कहा कि हम नबियों से पूछ ले, तो अहाब राजा के जो 400 नबी थे उसने सबने एक ही स्वर में कहा कि राजा तू जा और तू विजय होकर लौटेगा। मगर इसको थोड़ा सा यशोपात ने कहा यार 400 नबी हैं, सब एक सी बात बोल रहे हैं, इसे कुछ डाउट हुआ, इसने कहा क्या तेरे यहाँ और कोई नबी है? उसने कहा हाँ एक है, मिकाया करके है। तो जब उसको बुलाया गया तब वो बताता है कि तू जो परमेश्वर ने तेरी हानि की बात डाली है, और मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, और परमेश्वर के पास एक दुष्टात्मा आती है, एक झूठ बोलने वाली आत्मा, वो कहती है कि मैं हाब के नबियों को भरमाऊंगी, बहकाऊंगी। वो कहते किस तरीके से? कि इनके मुंह में बैठकर मैं इनसे झूठ बुलवाऊंगी। अब देखिए परमेश्वर ने कहा जा, तेरा ये भरमाना जो है सफल हो। अब वो दुष्ट आत्मा जो थी, वो झूठ बोलने वाली आत्मा, परमेश्वर की आज्ञा लेकर जो है उन 400 नबियों में बैठ गई। अब इस बात को मिकाया बता रहा मगर वो तब भी नहीं मान रहा। तो यहां मेरा ये कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि ये शैतान की ओर से ही सारी एक क्रिया हो रही है, ये परमेश्वर की ओर से भी होती है कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में या आपके परिवार में घुस जाती है। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की सुनना बंद कर देते हैं, जब हम परमेश्वर को समझना बंद कर देते हैं, जब हम परमेश्वर को खोजना बंद कर देते हैं, ये तब हमारे परिवार में होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और भी बहुत सी बातें हैं, मैं बस आपको बताऊंगा कौन कौन सी आत्माएं होती हैं जो शैतान की ओर से भी और परमेश्वर की ओर से भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आती हैं। होशे 2:1-4 पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द आया बहुत भयंकर वाला, वो नहीं बता रहा हूं, मगर वहां पर मैंने यहां पर लिखा है व्यभिचार की आत्मा। होशे 9:7, जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। यहां बिल्कुल साफ, जो कहता है ना मेरे ऊपर आत्मा उतरता है वो बावला, बावला का मतलब होता है पागल, वो पागल ठहरेगा। मीका 2:11 में झूठी आत्मा का जिक्र है। जकरिया 13:2 और मती 10:1 में अगर आप पढ़ेंगे तो, और नए नियम में पढ़ेंगे तो अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माओं के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। परंतु रोमियो 8:15 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा दासत्व की आत्मा। दासत्व की आत्मा क्या है? कि हम किसके दास हैं? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ने तो पाप की गुलामी से, पाप के दासत्व से तो हमें छुड़ा लिया, अब हम किसके गुलाम हैं? हम दूसरों, हम इस लोगों के गुलाम हो जाते हैं, हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं, हम बुराइयों के गुलाम हो जाते हैं। तो यह दासत्व की आत्मा जो है वह हमारे अंदर वास करती है। फिर पहला कुरिन्थियों 2:12 में लिखा संसार की आत्मा। अब संसार की आत्मा क्या है? पहला योना की पत्री 2:16-17 तक पढ़ेंगे। शरीर की अभिलाषा, गलतियों 5:19-21 तक, आंखों की अभिलाषा, उत्पत्ति 3:6, जीविकी का घमंड, ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो ये सब संसार की अभिलाषाओं में आती हैं। 17वें पद में लिखा है, इसी के पहले योना की पत्री 2:17 पद में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती हैं। अब मैं आपको ज्यादा नहीं, आखिर में बताना चाहूंगा, पहले योना की पत्री 4:6 में लिखा हुआ है भ्रम की आत्मा। जी हाँ, भ्रम पैदा करने की, भ्रम पैदा करती है। और ये जो आत्मा है, ये सारी आत्माएं जो है हमें क्या करती हैं? हमारे शरीर में, हमारे परिवार में घुसकर हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। लास्ट में मैं आपको एक बहुत पॉइंट की बात बताना चाहूंगा कि शैतान का सबसे पहला अटैक जो इंसान के ऊपर होता है वो कहां पर होता है? ध्यान दीजिएगा, शैतान का सबसे पहला अटैक जो होता है, आप 2 कुरिन्थियों 4:4 जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है इस संसार के ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि अंधी कर दी है, ताकि यीशु मसीह का जो सुसमाचार का प्रकाश है वह हम पर ना चमके। जब आप पढ़ेंगे ना, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ऐसे ही आपको पढ़ा, मैंने रेफरेंस नहीं पढ़ा है, वैसे ही बताया है आपको कि 2 कुरिन्थियों 4:4 कि इस संसार के ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि क्या कर दी? अंधी कर दी। सबसे पहले वो बुद्धि पे अटैक करता है, बुद्धि अंधी कर देता, बुद्धि को क्या करता, पैरालाइज कर देता है, कि आपके सोचने समझने की शक्ति क्या है वो खत्म हो जाती है। आपके क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है, आप जब अदन की वाटिका में उत्पत्ति 3 को पढ़ेंगे तो वहां हवा के साथ यही हुआ। अब हवा के साथ क्या हुआ कि हवा के साथ क्या हो रहा है वहां पर? हवा के
जो है वो फल को जाने कितनी बार उसने देखा होगा, जाने कितनी बार उसने फल के पास गई होगी। ऐसा नहीं है कि अगर फल टूटता भी होगा तो उसको कहीं गंदगी ना हो जाए, सड़ ना जाए, कीड़ा ना पड़ जाए, तो उसकी साफ सफाई करके उसको कहीं फेंकने भी जाते होंगे। मगर वहां पर उस दिन उस फल को वो देखने में क्या है, मनभाव है, उसे मनभाव रखने लगा, अच्छा लगने लगा, बुद्धि चाहने योग लगने लगा। आप पढ़िएगा क्यों, क्योंकि उसने सबसे पहले उसकी बुद्धि पर अटैक करा और फिर उसके सोचने समझने की, भले और बुरे के बारे में जो सोचना समझना था वो खत्म हो चुका, फिर वो सोच रही थी जो शैतान उससे सोचवा रहा था। जी हाँ, यही हमारे साथ होता है। जब हमारी बुद्धि पर अटैक शैतान करता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर जो शैतान चाहता है हम वही सोचते हैं और उसी तरीके से हम फिर काम करने लगते हैं, हम पूरी तरीके से शैतान के अधीन में हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम शैतान की बातों से निकले, कैसे निकल सकते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, याकूब 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ तब शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जी हाँ, जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, और जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करते हैं तो शैतान हमारे सामने से भाग जाता है। फिर वह हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में आकर हमें बर्बाद नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर के अधीन बने रहें ताकि शैतान का सामना करें और शैतान हमारे पास से भाग जाए। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।